हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं आईसीटी का एक टॉपिक लिया है हमने, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि आईसीटी की इम्पॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन में किस तरह से हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम इसकी इम्पॉर्टेंस देखेंगे एजुकेशन के रिलेटेड। ठीक है, सो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स। ठीक है, आईसीटी का कैसे स्कूल में यूज़ होता है। ठीक है, सो एज अ कम्युनिकेशन टूल। ठीक है, एक कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज़ होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, शेयर और एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अगर किसी टीचर को, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कोई भी चीज़, वो आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं यूजिंग आईसीटी। ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और स्कूल में भी बहुत सारी तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स हो गए आपके, इंटरनेट हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं आईसीटी के अंदर आती हैं। ठीक है, इन सब का यूज़ हमारे स्कूल में होता है। सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। सो एज अ कम्युनिकेशन टूल टू इन्हांस देयर लर्निंग स्किल्स थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, जो लर्नर्स होते हैं उनकी लर्निंग स्किल को इन्हांस करने के लिए एज अ कम्युनिकेशन टूल यूज़ किया जाता है थ्रू अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए। सेकंड है इम्पार्ट कंप्यूटर नॉलेज, इससे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर नॉलेज मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर को अच्छी तरह से जान पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो क्या करते हैं, वेब सर्च करते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट पर सर्च करते हैं। ठीक है, उनको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर। एंड इट रिड्यूसेस द टाइम स्पेंट इन मेकिंग ग्राफ, री राइटिंग। ठीक है, जो टीचर्स जो ग्राफ वगैरह कुछ बनाते थे, ठीक है, कॉपी पेन पे कुछ री राइट करते थे, किसी को दोबारा लिखना होता था, तो अब क्या है, कंप्यूटर की वजह से वो चीज़ अब बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, इसने हमारा जो टाइम हम पहले स्पेंड करते थे उससे कहीं कम टाइम लगता है। ठीक है, अब हेल्प्स इन फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम कंप्यूटर से तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, एंड जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो शेयर करने में ईजी हो हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, सो जैसे कि आपके इंटरनेट बेस्ड होते हैं, जैसे ईमेल्स होती हैं, सोशल नेटवर्क जैसे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, न्यूज़ ग्रुप्स हो गए, वीडियो ट्रांसमिशन, तो ये सारे क्या करते हैं, वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दूर दूर तक पूरे वर्ल्ड में किसी को भी पहुंचाई जा सके। स्टूडेंट्स कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स होते हैं इन सारी मल्टीमीडिया और सोशल नेटवर्क का यूज़ करके जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, इसकी वजह से ही हमारी जो डिस्टेंस लर्निंग है, जो बच्चे घर बैठे पढ़ते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन लर्निंग भी अवेलेबल और पॉसिबल हुई है। ठीक है, लर्न विद एक्सपर्ट्स ऑनलाइन, हम दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से ऑनलाइन कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, नोट्स, ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, ये सारे एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। मेजर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स, किसी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो वो आप ऑनलाइन किसी से ही पूछ सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी इंटरेक्ट विद ईच अदर, कोई जो स्टूडेंट होता है वो अपने स्कूल के किसी भी फैकल्टी के साथ, मेम्बर्स के साथ, टीचर्स हो गए, कोई स्टाफ हो गया, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। फोर्थ है क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, आपको पता ही है अब ज़्यादा तो जितने भी क्लास होते हैं उनमें सब में स्मार्ट बोर्ड होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, तो ये सारी क्या है, क्लासरूम लर्निंग में यूज़ हो रहा है आईसीटी का। ठीक है, मोर एक्सपीरियंशियल फॉर स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंसल हो गया काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा कोई अच्छे से इफ़ेक्टिव वे में सीखते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन लिसन द वॉइस ऑफ इंस्ट्रक्टर और टीचर। ठीक है, वो टीचर की वॉइस को सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं विजुअल क्यूज थ्रू PPT इमेजेस, हैंड आउट्स, वाइट बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सारी क्या हैंगी, क्लासरूम लर्निंग में यूज़ होने वाली आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अब जो इसकी वजह से अब जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। ठीक है, उनका उसमें इंटरेस्ट होता है, उनका मन लग जाता है उसमें, इमीडिएट इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में,
अब इससे स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब उनको सब कुछ समझ आता है तो वो क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं ठीक है टीचर से, और लाइव डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है। सो ये था आपका क्लासरूम लर्निंग। फिफ्थ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड लर्निंग, जो लर्निंग आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होती है ठीक है, जैसे आपका स्काइपी टूल हो गया ठीक है, जूम ऐप हो गई, गूगल मीटिंग हो गई, ये सारी क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड लर्निंग है। सो ये एक ऑनलाइन मीडियम है ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं ठीक है। एक ये पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है ठीक है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में जाती है। तो और जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो सेंट और डिलीवर द इंफॉर्मेशन ठीक है, भेज सकते हैं, सेंट भी कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं ठीक है। ये हमारे बेटर फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर करता है ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर बेटर फ्यूचर। सिक्स्थ ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी, अब आपको तो पता ही है कि आजकल जो कितनी भी सारी नॉलेज ठीक है, ई बुक्स, ई जनरल्स, न्यूज़पेपर्स ठीक है, कोई भी मैगजीन हो गई, कोई भी चीज़ होगी सारी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। सो ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी भी एक ऐसा है टूल है, वेबसाइट एंड डाटा बेस्ड ऑन इंटरनेट ठीक है, जो आपकी वेबसाइट होती है और डाटा बेस होता है इंटरनेट पे, वो है ये ठीक है। इसमें कंक्लूड क्या होता है, ई बुक्स होती हैं, ई जनरल्स होते हैं, ई न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये किसी किसी वेबसाइट पे पेड होता है या फिर अनपेड होता है ठीक है, ये तो वेबसाइट के हिसाब से ही होता है। और कुछ कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सभी की अपनी लाइब्रेरीज होती हैं ठीक है, जिस पर वो अपना एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं ठीक है, अपने किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ठीक है, कोई भी इन्हें नोटिस शेयर करना होता है ठीक है, डेट शीट्स, रिजल्ट्स, ये सारे। और लाइब्रेरीज पे क्या क्या मिलता है, ई बुक्स मिलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं ठीक है, तो ये सारी चीज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। सो ये था ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी। सेवन्थ है मल्टीमीडिया कोर्स वेयर एप्स बेस्ड लर्निंग, एक मल्टीमीडिया कोर्स वेयर एप्स बेस्ड लर्निंग है ठीक है। इसमें क्या होता है, पैकेजेस ऑफ ऑडियो होती हैं, वीडियो होती है, टेक्स्ट एनिमेशन एंड पिक्चर्स ठीक है, ये सारी अवेलेबल होती हैं एक ऐप पर। सो एडवांटेज क्या है इसका, क्योंकि जो ऐप है वो थ्रू अ वीडियो है ठीक है, वीडियो के ज़रिए जो बच्चा होता है वो सीखता है ठीक है। नेक्स्ट है एट MOOC लर्निंग प्रोग्राम ठीक है, MOOC की फुल फॉर्म क्या है, MOOC मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ठीक है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इसे अमेरिका ने स्टार्ट किया था ईयर 2008 में ठीक है। ये एक सब्जेक्ट बेस्ड ऑनलाइन कोर्स फैसिलिटी है ठीक है, फ्री ऑनलाइन कोर्स है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है। जैसे हमारे पास हमारे इंडिया में MHRD ने स्वयं ऐप का लॉन्च किया था ठीक है, तो इससे हम कोई भी ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हैं ठीक है, किसी से भी रिलेटेड। नाइन्थ है इफ़ेक्टिव एंड इकोनॉमिकल टूल ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन, एक तो ये इफ़ेक्टिव भी है काफ़ी, जो बच्चे होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स होते हैं और अच्छी तरह से कोई भी चीज़ सीखते हैं ठीक है। ये फॉर ऑल लर्नर्स होता है, कोई भी लर्नर हो इसका यूज़ कर सकता है ICT बेस्ड लर्निंग का ठीक है। और जो लेक्चर्स होते हैं वो थ्रू प्रेजेंटेशन होते हैं, वीडियो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, इसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, सब सब कुछ दिखता है, जिससे बच्चे को पूरी क्लियर इमेज दिखती है हर चीज़ की ठीक है। तो इससे जो बच्चा होता है वो इफ़ेक्टिव वे में सीखता है चीज़ों को ठीक है, और जो चीज़ें होती हैं वो उसे काफ़ी देर तक याद रहती हैं और उसको फ्यूचर में भी आगे हेल्प करती हैं ठीक है। बिगनिंग ऑफ टेक्नो पेडागॉजी ठीक है, टेक्नो पेडागॉजी मतलब कि जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं ठीक है, सो ऑनलाइन कोर्स होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कोई भी, वो अपना एक प्रोग्राम शुरू करता है ठीक है ऑनलाइन कोर्स का, तो ये है बिगनिंग ऑफ टेक्नो पेडागॉजी, मीन्स जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। 11th है अवेलेबिलिटी ऑफ ई कंटेंट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन जो बच्चे घर बैठे पढ़ाई करते हैं ठीक है, उनको जो रेगुलर नहीं होते हैं ठीक है, किसी भी चीज़ से जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ई कंटेंट अवेलेबल होता है ठीक है हर एक यूनिवर्सिटी से, जैसे ई कंटेंट हो गया, ई बुक्स होगी, मोबाइल ऐप्स होगी, वेबसाइट्स होगी, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है। और एक हमारे इंडिया में एक वर्ल्ड बेस्ड बहुत ही प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है, IGNOU ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ठीक है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, जो बहुत सारा कंटेंट अपने वेबसाइट पे डालती है, अपलोड करती है, ताकि जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए कोई भी कंटेंट ढूंढने में ठीक है।
उनके सारी ई बुक्स अवेलेबल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, कोई भी कंटेंट रिलेटेड हो गया एजुकेशन से सब कुछ अवेलेबल होता है। ट्वेल्थ, यूज़ ऑफ ICT एज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो भी ICT का यूज़ करता है, ठीक है। जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, कोई भी स्टाफ से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी ऑफिस रिकॉर्ड हो गया, ये सारा कुछ एक सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होता है, सेव होता है, ठीक है। 13th है इंटरनेट बेस्ड डिजिटल पब्लिकेशन। मीन्स जो इंटरनेट पर अवेलेबल हो कोई भी चीज़ हो, जैसे डिजिटल बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होता है फॉर द लर्नर्स, टीचर्स एंड अदर फैकल्टी मेम्बर्स, ठीक है। तो ये सभी कुछ सबके लिए अवेलेबल होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इसको देख सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है। 14th, ईजी टू इवेलुएट, ठीक है। जैसे आजकल तो देखा है आपने जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो अब ऑनलाइन होने लगे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसकी इवेलुएशन भी फैसिलिटी जो होती है वो भी ऑनलाइन हो जाती है, ठीक है। जैसे जो UGC नेट है आपका एग्ज़ाम होता है, ये और जो दूसरे एग्ज़ाम है सारे ICT बेस्ड होते हैं, इसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होते हैं, इसका इवेलुएशन भी ऑनलाइन ही हो जाता है, और इसमें टाइम भी काफ़ी कम लगता है, ठीक है, और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में हो जाता है, इफ़ेक्टिव एंड लेस कॉस्टली, कॉस्टली भी कम है, ठीक है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक बार सारे पॉइंट्स को रीड आउट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है, ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं दोबारा से। सो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स। सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। थर्ड, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। फोर्थ, क्लासरूम लर्निंग। फिफ्थ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड लर्निंग। सिक्स्थ, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी। सेवन्थ, मल्टीमीडिया कोर्सवेयर एप्स बेस्ड लर्निंग। 8th, MOOC लर्निंग प्रोग्राम। 9th, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल टूल ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन। 10th, बिगिनिंग ऑफ टेक्नोपेडागॉजी। 11th, अवेलेबिलिटी ऑफ ई कंटेंट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन। 12th, यूज़ ऑफ ICT एज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। 13th, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पब्लिकेशन। 14th, ईजी टू इवेलुएट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ICT in the field of education. Thank you.